किसी देश और प्रदेश के लिए युवा वहाँ की पूंजी होती है, जिस पर उस देश और प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में युवाओं को सहभागी बनाने की पहल की है, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को प्रदेश का नोडल अधिकारी बनाया गया है। युवाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश की युवा शक्ति को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं युवाओं को एक मंच देकर छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब के गठन का निर्णय लिया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेश को युवाओं को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। लगातार जिले में जाकर हुनरमंद लोगों को राजीव गांधी मितान योजना क्लब से जोड़ा जा रहा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि राजीव युवा मितान क्लब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हुनरमंद युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इस क्लब के माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को जोड़ने और प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। युवा मितान क्लब के माध्यम से पर्यावरण, खेल और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की महती योजना है, जिसके माध्यम से जो हुनरमंद युवा हैं वार्ड स्तर पे, भले वो एकेडमिक की बात हो, कल्चर की बात हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, उन लोगों को सरकार शासन से जोड़ने का, एक उनको प्रोत्साहित करने का, उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान करने का, ये एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। इसमें मुझे नोडल बनाया गया, जिसके तहत सभी जिलों के दौरे कर इस पर युवाओं को जोड़े जाने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हर अंतिम पंक्ति का युवा जो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ टैलेंट या क्षमता रखता है और वो सरकार से जुड़ाव चाहता है, सरकार से सहयोग चाहता है, उसको राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।